हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको लड्डू गोपाल जी के लिए दो कलर से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना बताएंगे, क्योंकि अब सर्दी आ गई है। तो मैं आपको बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बनाना बताऊंगी, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 10 नंबर सिलाई ली हुई है और यहाँ पे दोनों कलर की वूल को फोल्ड किया है। बेबी वूल है ये सॉफ्ट वाली, इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारा सा हमारा लड्डू गोपाल जी की पोशाक आपको कैसी लगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और जो हम आपको ड्रेस बताने जा रहे हैं, वो हम 3 से 4 नंबर गोपाल जी के लिए आपको पोशाक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम फंदे डालेंगे। तो सबसे पहले हम फंदा इस तरह से डालेंगे, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही हम यहाँ पे तीन और चार के लिए हम 18 फंदा डाल लेते हैं। जो हम तीन के लिए बना रहे हैं, वो चार को भी आप पहना सकते हैं। तो इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताएंगे। तो आइए यहाँ पे 18 फंदा डाल के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 18 फंदा डाल लिया है और 18 फंदे डाल के हम फर्स्ट रो से ही अपना इसमें कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, और भी काफी ड्रेसेस मैंने गोपाल जी के अपने चैनल में डाली हुई हैं। ये देखिए, इस तरीके से धागे को हम 2-3 बार दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये धागे को आगे चल के कट कर देंगे। ये देखिए, फंदे डाले हैं ग्रीन कलर से और पहली रो में मैंने अपना कलर इसमें चेंज कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। तो आपको ये जो ड्रेस बताने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से नेट वाली आपको ये ड्रेस बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। इस साइड से भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, और उल्टी साइड से भी हम इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी एक सिलाई बना के यहाँ पे एक धारी दिख रही है, यानी कि मैंने ग्रीन से फंदे डाले थे और यहाँ पे अपना तुरंत ही अपना पिंक कलर लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर अपनी सीधी सिलाई बनाई और उल्टी तरफ से दी, यानी कि 3 सिलाइयाँ यहाँ पे हो चुकी हैं। अब ये देखिए, इसके बाद हम नेट बताएंगे आपको। तो नेट वाली आपको यहाँ पे चोली बता रही हूँ। तो ये देखिए, 2 फंदा मैंने उल्टा बनाया, धागा हम पीछे करेंगे, 1 फंदा मैं सीधा बनाऊंगी। ये देखिए, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे बटन पट्टी के लिए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, पहली नेट बना दी, फिर धागा अपनी तरफ किया, दूसरी नेट बनाई, फिर यहाँ पे 1 फंदा, 2 नेट बनाने के बाद फिर 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए 1 फंदा सीधा बना लिया है, फिर अपने यहाँ पे 3री नेट बनाए, धागा अपनी तरफ, 4थी नेट बनाए। तो यहाँ पे अभी तक 4 नेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इधर के फंदे काउंटिंग कर लेते हैं। 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदों में नेट, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदों में नेट। तो यहाँ पे हम 2 फंदा सीधा करेंगे, ये देखिए ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ किया, पहली नेट, फिर धागा अपनी तरफ किया, दूसरी नेट, 1 फंदा सीधा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3री नेट बनाएंगे, धागा अपनी तरफ घुमाते हुए, बहुत आसान है ये बनाना इसको, फिर अपनी तरफ करेंगे धागा यहाँ पे, 3री, 4थी नेट,
एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, ये देखिए ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ पे उल्टी सिलाई को कुछ नहीं करेंगे, उल्टी सिलाई को फंदे को स्लिप करते हुए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहली नेट को बना चुके हैं और यहाँ पे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब आगे सीधी सिलाई पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा। यहाँ पे पिछली सिलाई पे मैंने एक फंदा सीधा बनाया, इस बार हमारा एक फंदा बढ़ चुका है तो हम दो फंदे सीधे करेंगे। ये देखिए एक और ये दो, ये देखिए, और बीच वाले फंदे पे ही नेट को डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ एक नेट बना चुके, फिर धागा अपनी तरफ दूसरी नेट बना चुके। अब यहाँ पे ये देखिए एक फंदा सीधा, दूसरा, और ये देखिए तीसरा फंदा सीधा। तीन फंदे सीधे आ चुके हैं यहाँ पे, यानी कि चार फंदे हो चुके हैं बीच में। अब ये देखिए इस वाले फंदे पे, ये देखिए आप देख सकते हैं इस वाले फंदे पे पहली तीसरी नेट और ये चौथी नेट। अब बीच वाले फंदे एक दो तीन और ये चार, चार हो चुके हैं क्योंकि दोनों साइड से फंदा बढ़ चुका है, दो फंदे पहले थे तो एक एक फंदा बढ़ चुका है तो चार हो गए हैं। अब फिर से हम धागा अपनी तरफ, ये देखिए इस तरीके से दो नेट बना चुके। अब ये अपना बीच वाले फंदे एक दो, यहाँ पे भी दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ चुका है, ये देखिए दो और ये तीन, यानी कि इधर का फंदा लगा के चार फंदे हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से नेट बनाएंगे तीसरी और ये चौथी, यानी कि आठ नेट डाली हुई हैं हमने। अब ये एक दो, दो फंदे इधर भी सीधे, धागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा, कुछ इस तरीके से हमने बनाते हुए जाना है। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करेंगे, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे बनाते हैं उल्टी सिलाई को। तो देखिए हम अब यहाँ पे दो डाल चुके हैं, तीसरी नेट पे आ गए हैं, एक दो, पीछे धागा, दो फंदा उल्टा बनाया, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बनाए। ये देखिए अपने आप ही पता चल रहा है, चोटी की तरह दिख जाती है। जहाँ पे हमारी नेट डली हुई है उसी पे हमने नेट डालनी है। अब ये बीच वाले बाजू के फंदे सभी को, ये देखिए दोनों साइड से फंदे बढ़ रहे हैं, तो इन्हें हम सभी को सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच वाला फंदा ये है चोटी वाला, तो आधा का अपनी तरफ किया है और नेट बना देंगे। तो बहुत आसान सा है, पहली सिलाई में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि पता नहीं चलता है, पर आप ध्यान से बनाएंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीठ वाले फंदे भी सभी को सीधा सीधा बना लेंगे, ये देखिए दूसरी सिलाई में ही आपको पता चल गया है, ये देखिए कहाँ पे हमने नेट डाली है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हुए लंबा कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे बाजू घटाना बताएंगे और कितनी नेट मैंने डाली हुई हैं। अभी इसी तरह से इनको बनाते चले जाएंगे, ये देखिए। तो चलिए करते हैं इसको ऐसे ही पूरा, ये देखिए यहाँ पे सभी फंदों को सीधा बना लिए हैं और लास्ट के दो फंदा उल्टा बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, ये दो फंदे लास्ट के उल्टे बनाएंगे। तो आइए मैं इसको करती हूँ ऐसे ही, उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना लंबा इसको बना के कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे हमने कितनी नेट बनाई हुई है, एक दो तीन चार, चार नेट मैंने डाल ली हैं। तो अब यहाँ से हम अपनी बाजू घटाएंगे, तो देखिए कैसे दो फंदा तो उल्टा ही बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे मैंने सीधे बना लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद हम धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पे अपनी छह फंदा सीधा बना लेते हैं। ये जो अपना नेट वाला फंदा भी सीधा, तो छह फंदे हो चुके हैं। ये देखिए एक दो फंदे ये उल्टे बना लिए। इसके बाद हमने एक दो तीन चार पाँच छह फंदे बना लिए, छह सात आठ, आठ हो चुके हैं टोटल। अब यहाँ से हम अपना बाजू घटाएंगे। ये देखिए इस तरह से दो का एक किया, एक फंदा घट चुका, वापस सिलाई में डाला, दूसरा फंदा घटाया, तीसरा फंदा घटा दिया, चौथा फंदा घटाया, पांचवा फंदा घटाया, छठा फंदा घटा दिया, सातवां फंदा और ये आठवां फंदा घटाया और ये नौवां फंदा घटा दिया। अब यहाँ से हम नौ फंदे और ये दसवां फंदा घटा दिया। पीछे धागा करते हुए ये पीठ वाले फंदे देखिए, दस फंदे घटा चुके हैं। पीठ वाले फंदे सभी को सीधा सीधा बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। और आगे की बाजू के फंदे भी इसी तरीके से घटा लेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल सी आपको ये चोली बता रही हूँ। ये देखा, प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब ये धागा आगे किया है और यहाँ पे फिर से हम फंदे को घटाएंगे दो का एक करते हुए। ये देखिए एक वापस लाइन डाला, दो वापस लाइन डाल के, तीन चार चार और ये पाँच छः सात और ये आठ और ये देखिए नौ और लास्ट वाला ये दस। अब इधर के फंदे सभी को सीधा सीधा बना लेंगे इस तरीके से। पाँच छः, दो फंदा उल्टा, छः फंदे बना लिए ये सीधे और दो फंदा उल्टा। अब यहाँ से हम ये देखिए दोनों बाजू को हम घटा चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसे पांच को भी अगर डालें तो थोड़ी सी टाइट होगी पर पांच को भी आराम से ये आ जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। देखिए बाजू को जॉइंट करते हुए थोड़ा सा एक एक चीज़ बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये देखिए उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई को ये देखिए बाजू को जॉइंट करते हुए सभी फंदों को बना लेंगे। देखिए ऐसे तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई को बना लिया। अब यहाँ पे हम दो फंदों को उल्टा बनाते हुए पूरी सिलाई को सभी फंदों को यानी कि सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद हम दो सिलाइयाँ ही इसकी उल्टी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पहली सिलाई को बाजू के फंदे घटाने के बाद उल्टी सिलाई को बनाने के बाद हम सीधी सिलाई को बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने सीधी सिलाई पे ही फंदों को बाजू के को घटाया था। आप चाहें तो उल्टी तरफ से घटा सकते हैं, चाहे सीधी तरफ से, जैसा आप चाहें। इसके बाद मैं सीधी बना रही हूँ, उसके बाद उल्टी बना लेंगे, फिर मैंने उल्टी बनानी है और उल्टी सिलाई को भी उल्टा बनाना है। इतना इसको बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसमें घेरे के लिए बताऊँगी किस तरह से करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सिलाई बना ली है और उल्टी सिलाई को बना लिया, यानी कि दोनों तरफ की दो सिलाइयाँ यहाँ पे हो चुकी हैं। अब ये देखिए इस तरह से इसका चोली का लुक आएगा। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है, बनाने में तो बिल्कुल ही ईजी है। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे ही फिर एक सिलाई, पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा ही बनाएंगे सभी फंदों को, यानी कि यहाँ पे हमारी चार सिलाइयाँ बाजू घटाने के बाद हो जाएंगी। तो चलिए कर लेते हैं, इतनी पूरे फंदों को हमने उल्टा उल्टा ही बनाते ही जाना है। ये देखिए उल्टा उल्टा ही बनाते चले जाएंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी चार सिलाइयाँ बाजू घटाने के बाद चार सिलाइयाँ बना ली हैं और यहाँ पे ये देखिए चोली बनके कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी सुंदर लग रही है। ये देखिए तीन से चार नंबर गोपाल जी को आराम से आएगी, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम घेरा, आपको अभी मैंने आपको चोली ही बताई है, घेरा हम दूसरे पार्ट में इसका आपको बना करके बताएंगे कि किस तरह से हमने घेरे को बनाना है। यहाँ पे मैंने आपको चोली बताई है, ये देखिए आप देख सकते हैं, और काफ़ी सुंदर तरीके से चोली बन गई है और बहुत ही अच्छे से बाजू भी हमारी ये बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं, ये देखिए। तो यहाँ से मैं आपको घेरा इसके दूसरे पार्ट में बना करके बताऊंगी, अभी चोली बताई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो देखिए घेरा भी मैं बहुत ही आसानी से बताऊँगी आपको, तो चलिए हम मिलते हैं इसके घेरे के साथ। ये देखिए